चैनल के सभी अपडेट्स पाने के लिए सब्सक्राइब करें और प्रेस करें बेल आइकन। अनाधिकृत जो कॉलोनियां थी दिल्ली की 1747 अधिकृत की गई मोदी सरकार के द्वारा, और अब जो मोदी सरकार का अभियान है यानी जो मोदी के सिपाही हैं, भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं, जो नेता हैं, पूरी दिल्ली में गलियों गलियों में घूमते हुए यह संदेश देते हुए देखे जा सकते हैं कि मोदी है तो मुमकिन है। क्योंकि अनाधिकृत कॉलोनी का जो मुद्दा था बहुत बड़ा मुद्दा था और पिछले दशकों से लगातार लटकता हुआ आ रहा था। दिल्ली सरकार और केंद्र सरकार तमाम इस मुद्दे पर एक दूसरे को फुटबॉल बनाए रखती थी और जनता जो है वो लगातार पिसती रहती थी। हम मौजूद हैं पालम विधानसभा के मधुविहार वार्ड में और यहाँ पे हमारे साथ मौजूद हैं विजय पंडित, भाजपा के नेता हैं और लगातार एक जन जागरण अभियान इस मुद्दे पे चलाते हुए पिछले कई दिनों से देखे जा सकते हैं। पंडित जी बहुत बहुत स्वागत है। कितना जन समर्थन आप देखते हैं इस मुद्दे पर भारतीय जनता पार्टी को मिल सकता है आगे, और अभी कितना मिलता है? आनंद जी, मैं बताना चाह रहा हूँ आपके चैनल के माध्यम से, और आप भी लगातार सेवा में लगे हुए हैं दिल्ली की, और अनेक समस्याओं के बारे में आप बातचीत करते रहते हैं, लेकिन आज हमारा अनऑथराइज कॉलोनी रेगुलाइज जो हक दिया मोदी जी ने, सम्मान के साथ लोगों को जीने का अधिकार दिया मोदी जी ने, और मोदी जी ने सबको एक हक ऐसा दिया है कि कभी किसी प्रकार से गरीब आदमी की पढ़ाई है या मकान बनाना है या कुछ और काम करना, दुकान खोलनी है, उस प्रॉपर्टी तो है उसके पास, बेचारे के पास पता नहीं कैसे कैसे धन इकट्ठा करके प्लॉट खरीदे थे अनऑथराइज कॉलोनी में, उनको रेगुलाइज करने का काम मात्र मोदी है तो मुमकिन है मोदी जी ने कर दिखाया, मात्र 100 दिन के काम में। जैसे पीछे मोदी जी ने कहा था जो 5 साल के शासन थे, जब दोबारा चुनकर आए तो 100 दिन हर मंत्री हर मंत्रालय अपना कार्य करके दिखाएगा, और मैं बधाई देना चाह रहा हूँ हरदीप पुरी जी को, 100 दिन के अंदर अंदर अनऑथराइज कॉलोनीज को पास करने का काम मोदी सरकार ने किया है, वो बधाई के पात्र हैं। हम लगातार इस पालम विधानसभा में, आज 23वां दिन है, अनऑथराइज कॉलोनी को लेकर, बीच में जो दिल्ली सरकार के गंदे पानी को लेकर और सीवर समस्याओं को लेकर, पालम विधानसभा में लगातार समस्याओं को जूझते हुए अनऑथराइज कॉलोनी के लोगों को न्याय देने का काम भारतीय जनता पार्टी, हमारे शीर्ष नेतृत्व भाई नरेंद्र मोदी अमित शाह जी ने जो किया है वो काबिले तारीफ है, और लोगों से मिल रहे हैं, लोगों को समझा रहे हैं, और ये सारा काम कन्वेंस डीड का काम वो DDA करेगा, और DDA के बाद जो रजिस्ट्री काम है वो रेवेन्यू डिपार्टमेंट करता है, आपको सबको मालूम है। इस काम को सुचारू रूप से हो, लोग इससे अवगत हों और लोगों में ऐसा खलबली ना मचे, ये प्रचार करते हम घूम रहे हैं। जी मोदी सरकार की जो नियत है, आप लोगों की जो मंशाएं हैं, आम आदमी पार्टी लगातार उस पर सवाल खड़ा करती है। पिछले दिनों अरविंद केजरीवाल जो दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं, और गत दिनों भी, इवन कल भी उनकी तरफ से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई, उनका ये कहना था कि पूरा जो अभियान है ये एक छलावा है, जिस तरह से 2008 में कांग्रेस ने प्रोविजनल सर्टिफिकेट बांटे थे उसी तरह से केवल 100 लोगों को रजिस्ट्री पकड़ाई जाएगी और उसके बाद में पूरा जो मुद्दा है उड़न छू हो जाएगा, यानी वोट बटोरने की एक रणनीति है, एक राजनीति है आप लोगों की, ये इसके बारे में आप क्या कहें? ये केवल ही केवल एक भ्रामक प्रचार है। आपको, आपने देखा होगा केजरीवाल एक बड़ा नौटंकीबाज इस दिल्ली को मुख्यमंत्री मिला है, दुर्भाग्य से दिल्ली के लोगों ने एक प्रयोग किया 2013 में फिर 15 में, और वो चाहते थे कि दिल्ली के लोग ये पता नहीं क्या करेगा, जिस प्रकार के इनके वॉलेंटियर्स बोलते थे अब भाई हम गाड़ी नहीं लेंगे, घर नहीं लेंगे, बगला नहीं, मैं इसलिए बताना चाह रहा हूँ कुछ उनकी नौटंकी, और लगातार नौटंकी करते करते सारी चीज़ें उन्होंने प्राप्त कर ली। जब उनकी 10,000-25,000 रुपये जब एक विधायक को तनख्वाह मिलती थी, उस तनख्वाह को 25,000 से 80,000 किया, 80,000 से 1.5 लाख किया, अब 3 लाख रुपये किया, ये मनसा जाहिर करती है आपकी मनसा का है। और फिर मैं प्रोविजनल सर्टिफिकेट के बारे में बताना चाहूँगा, लगातार दिल्ली में कांग्रेस की शीला सरकार 15 साल दिल्ली में शासन किया, और केवल ही केवल उन्होंने भी लोगों को जितना धोखेबाजी की और प्रोविजनल सर्टिफिकेट बांटे, उसके बाद जैसे जैसे चुनाव आते थे वो वैसे वैसे अनऑथराइज कॉलोनी में प्रोविजनल सर्टिफिकेट बांटते थे। लेकिन जैसे आज केजरीवाल सरकार को 4.5 साल हो गए, आपने पहले क्यों नहीं किया? 4.5-5 साल लगातार लटकाया। केंद्र सरकार ने 2 वर्ष पूर्व शहरी विकास मंत्रालय ने ये कहा था, हम दिल्ली के लोगों को न्याय देना चाहते हैं, आप इसका एक प्रपोजल बना के दीजिए लिखित में। हमारे माननीय सांसद जी ने लोकसभा में बोला है 2 साल पहले, उसके बावजूद इन्होंने एक पत्र लिखा चीफ को और शहरी विकास मंत्रालय को, अगर हमें 2 साल और चाहिए, यानी कि दिल्ली के लोगों के साथ और छलावा, लेकिन मोदी है तो मुमकिन है, उन्होंने कहा नहीं, हम तुरंत दिल्ली के लोगों के साथ न्याय करना चाहते हैं, और 100 डेज जो मैंने कहा 100 दिन के अंदर अंदर ये सरकार
इस कॉलोनियों को पास कर छोड़ेगी, कॉलोनियों को मालिकाना हक देकर छोड़ेगी। और आपने देखा, ये कोई छलावा नहीं है। मैं दावा करता हूँ दिल्ली के मुख्यमंत्री से, आप हमारे बड़े बड़े नेताओं से जिरह करते हैं, आप खाली मात्र एक छोटे से कार्यकर्ता से, मैं भाजपा का एक छोटा सा कार्यकर्ता हूँ, आप मेरे से जिद बहस कर लीजिए। आप जो बोलते हो, जो करते हो, एक एक बात में तुम्हारी छलावा है। और हम जो बोलते हैं, जो करते हैं, डंके की चोट पर करते हैं। 100 डेज में जो काम किए, मैं और भी बता सकता हूँ, बहुत से काम किए हैं, आपको मालूम है सारा। लेकिन मैं अनऑथराइज कॉलोनी का विषय दिल्ली में इसलिए लेना चाह रहा हूँ, हमारी माताओं गरीब लोगों के साथ न्याय हो सके। और मोदी जी के दिल में ये पीड़ा है गरीब के घर में जन्म लेकर काम करने वाले ऐसे राजनीतिक लोग बहुत कम है इस देश में, इस संसार में। आज वो वर्ल्ड के नेता हैं, इसलिए उनकी पीड़ा थी 40 से 50 लाख लोग। लेकिन ये पहले की है, ये मैं बताना चाहता, अगर आज आप इस पूरी रिपोर्टिंग में जाओगे तो 70 से 80 लाख लोग अनऑथराइज कॉलोनी में रहते हैं, उनके साथ न्याय करना भारतीय जनता पार्टी की जिम्मेवारी थी। और इन्होंने लगातार कांग्रेस ने 15 साल लटकाया, फिर केजरीवाल ने भटकाया, और मोदी जी केवल ही केवल मोदी जी सरकार ने 100 डेज में 100 दिन के अंदर अंदर ये काम करके दिखा दिया। इसमें कोई छलावा नहीं, कोई दिक्कत नहीं। और दिसंबर के महीने में 16 तारीख से DDI सारे इसको अपना एक वो बनाएगी सारी वेबसाइट, और चल भी गई है। मुझे लग रहा न्याय मिलेगा, लेकिन ये बात जरूरी है, किसी को पहले मिलेगा किसी को बाद मिलेगा, लेकिन लगातार ये प्रक्रिया चलती रहेगी। लोगों में इसकी भ्रामक स्थिति जो दिल्ली सरकार फैला रही है, उसके मन में चोर है, उस चोर को निकाल कर बात करें, दिल्ली की सेवा करें। इसके आप देख लो पालम विधानसभा में उनके विधायकों करतूत, मैं आपको ले चलता हूँ भरत विहार के इधर, मैं आपको ले चलता हूँ यहाँ विश्वास पार्क पीछे, क्या हाल मचा रखा है। लोगों ने पर्सनल सीवर डाल रखे हैं, वो कह रहे हैं हम सीवर डाल रहे हैं, लोगों ने पर्सनल पानी की लाइन डाले हैं, कर सकते हैं काम बंद कर दिया सीवर का उन्होंने। अब ये अरे आप स्थानीय लोग कुछ मौजूद हैं, एक बार उनसे जान लेते हैं किस तरह के हालात हैं यहाँ के। हालात ये है कि ये जो रोड बने हुए हैं, जो आप जिस पे आप खड़े, ये हमारे भारतीय जनता पार्टी के धर्मदेव सोलंकी के पीरियड के बने हुए, आज तक 1 रुपया कसम खाने के लिए किसी गली में या किसी रोड पे जरा सी सी कंक्रीट इतनी सी भी डल पाई आज तक भी। और वैसे वर्तमान जो विधायक हैं मिलती हैं आपके पास, आती हैं बराबर, विकास कार्य होते हैं, किसी ने देखा ही नहीं उसे। और केजरीवाल तो इतना बड़ा चोर है, 5100 रुपए इस ऑफिस में बैठ कर मेरे से ले गया हो, और रहा लेकर सिद्धि तलक मेरे सामने गया, मेरे सामने आके बात करे। अच्छा। मैं उस आंदोलन से जुड़ा था जब अन्ना हजारे जी रामलीला मैदान में बैठे थे, मन क्या एक ईमानदार आदमी एक और मिल गया हमें, मुझे पता नहीं था इतना बड़ा चोर है। ये गवाह खड़े बहुत सारे आदमी मेरे ऑफिस में आए कि 5100 रुपए कहो तो रसीद निकाल कर लाए दिखा दूँ उसकी। चलिए पंडित जी, आप लगातार जो घूम रहे हैं 20-22 दिन से, किस तरह के हालात मिले पूरे पालम इलाके में आपको, क्या कुछ किए जाने की आवश्यकता है? आज लगातार हमारा 23वां दिन है, चारों वार्डों में पूरी विधानसभाओं में जिस प्रकार का मैंने लोगों के दिलों में दर्द देखा है, पानी है गंदा है, पानी की लगातार मिलावट है, बदबू आ रही है, बच्चे पानी नहीं पी रहे हैं। अभी मैं आपको जानकारी दूं महावीर इंक्लेव वार्ड की, महावीर विहार एक कॉलोनी है, महावीर विहार के कॉलोनी में लोगों के किडनियों में इफेक्ट हो गया पानी से, और महावीर विहार की कॉलोनियों में लोगों के किडनियों में हुआ, और लोगों के मानसिक स्थिति इतनी खराब है, गंद है, आप जैसे पियोगे ना उसमें स्मेल आती है, तो लोग बच्चे छोटे छोटे बच्चे वहाँ बीमार पड़े हैं, मलेरिया से ग्रस्त हैं। मैंने पूरा दौरा किया है, आप जाओ साधनगर में जो मेन फर्स्ट है उस पानी में सारी मिलावट है, सीवर का पानी जा रहा है, और कहीं कहीं किसी कॉलोनियों में नाम मात्र पानी है, आधा 10 मिनट के लिए पानी, पूरा दिन पानी नहीं है। ऐसी हालात है हमारे पालम गांव में ऊंची नीचे तो पानी है, ऊपर कहीं पानी नहीं है, किसी मोहल्ले में पानी नहीं है, लेकिन दावे कर रहे हैं पानी है। मैं खुद कह रहा हूँ जहाँ जिस हिसाब से पानी पहले भी था दिल्ली सरकार के, उसमें कुछ जगह लाइनें जुड़ी हैं, लेकिन वो लाइनें बहुत पुरानी हैं, गंदी हैं, उन गंदी लाइनों को बदलने के लिए क्षेत्र के लोग बार बार क्षेत्रीय विधायक के पास जाते हैं, एक पैसा, जैसे इन्होंने कहा श्रीमान जी ने, यहाँ रहने वाले लोगों ने एक पैसा फूटी कौड़ी इस कॉलोनी के विकास में पालम विधानसभा में अगर लगाए तो आए और हमारे सामने बात करें, कितना विकास पुरुष आप हैं, कितनी बातें आप बड़ी बड़ी करते हैं। तो मेरा कहना ये नहीं, हम तो लगातार घूम रहे हैं, 23 दिन हुए आज, और फिर भी अगर आए तो मैं कॉलोनी में घुमाता हूँ, आपको दिखाता हूँ, आप पीछे मेरे साथ चलेंगे भरत विहार में, वो खुद मानेंगी, अरे बाप रे, अगर आप उस रोड से निकल जाओ आप खाना नहीं खा सकते 4 दिन तक, आपके स्मेल रहेगी पूरे शरीर में,
इतनी बुरी हालत है इस कॉलोनियों की। और सफाई व्यवस्था और नालियां जो है वो आप लोगों के विषय हैं, नगर निगम के विषय हैं, नगर निगम में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, एसडीएमसी में कई जगह इन इलाकों में ही आपके पालम विधानसभा में नगर निगम के काम की हालत भी ठीक नहीं है, इसके बारे में कुछ कहेंगे? आपकी बात बिल्कुल जायज़ है, जहाँ जहाँ नगर निगम से संबंधित चीज़ें आई हैं मैंने लगातार अपने शीर्ष नेतृत्व को बताई है कि भाई दिल्ली नगर निगम में ये कमियां हैं, दिल्ली नगर निगम सुचारू रूप से सफाइयां और इस पर ध्यान दिया है। लगातार अब हमारी गाड़ियां बढ़ रही हैं, पहले वार्ड में तीन तीन चार चार गाड़ियां होती थी, अब चार चार गाड़ियां और व्यवस्था करने वाला दिल्ली नगर निगम, और हम चाहते हैं इन गलियों की और नालियों की जो है लगातार इनकी सफाई हो और लोग स्वच्छता के साथ रहें, ये मोदी जी का सपना है। इस सपने के लिए अगर हम चलें, लेकिन कहीं कहीं कमियां हैं हम उसको मानते हैं, लेकिन इसको तुरंत दूर करने की बात हम तुरंत अधिकारी से करते हैं और वो लगातार वो काम हो रहे हैं। और मैं चाहता हूं कि ये जो दिल्ली नगर निगम की सरकार, हमारा काम केवल केवल सफाई का ध्यान देना और हमारे सारे निगम पार्षद इस रूप से लगे हुए हैं, मोदी जी का सपना स्वच्छ भारत इस पे लगे हुए हैं, लेकिन कहीं ना कहीं गड़बड़ है, कहीं गाड़ियाँ की कमी के साथ दिक्कत है, कहीं सफाई कर्मचारी कम है उनकी वजह से दिक्कत है। हम सारी पूर्ण रूप से उसे पूरा करेंगे और जो आप ये बात करें उसे हम पूरा करेंगे। जी, एक अंतिम सवाल लेता हूँ, जिस तरह से आप लगातार यहाँ पे घूम रहे हैं पिछले 20-22 दिन से, लोगों के मन को आपने टटोला होगा अनाधिकृत कॉलोनीज के मुद्दे पे, जो वर्तमान विधायक हैं उनके कामकाज के मुद्दे पे, लोग क्या यहाँ परिवर्तन चाहते हैं और चाहते हैं तो कितना बड़ा ये परिवर्तन होगा, क्या मुद्दे होंगे? देखो, निश्चित रूप से चाहते हैं कि यहाँ भाजपा है केंद्र में, जो मोदी जी सरकार, जो मोदी जी के नेतृत्व में जो ये सरकार काम कर रही है और मोदी जी पे जिस प्रकार से विश्वास पूरे देश ने और ब्रह्मांड ने दिया है, वो चाहते हैं नीचे भी जो ये दिल्ली है, दो जगह आपने नगर निगम में भारतीय जनता पार्टी है, केंद्र में भारतीय जनता पार्टी है, वो चाहते हैं दिल्ली में भी भारतीय जनता पार्टी हो और इस नकारापन से छुटकारा मिले, इस झूठेपन से छुटकारा मिले और जो झूठ की जो ये सरकार है इससे हमें छुटकारा मिले। पूरी जनता, पूरी पालम क्षेत्र के लोग ये चाहते हैं भारतीय जनता पार्टी को भारी बहुमत से जिताकर यहाँ भेजें। विजय पंडित, भारतीय जनता पार्टी के नेता, पालम से तमाम जो मुद्दे हैं उन पर अपनी राय रखते हुए, अनाधिकृत कॉलोनीज के मुद्दे पर अपनी राय रखते हुए और वर्तमान जो विधायिका हैं उनके जो विकास कार्य हैं उनके मुद्दे पर अपनी राय रखते हुए, सहयोग विजय त्यागी के साथ मैं अनंत कौशिक। चैनल के सभी अपडेट्स पाने के लिए सब्सक्राइब करें और प्रेस करें बेल आइकन।